अजीज साथियों अस्सलाम वालेकुम। मुल्क पाकिस्तान हो या यूरोप में हम इधर हों, क्रिकेट आपको पता है पूरी दुनिया में बड़े ज़ोको शौक से खेला जाता है, देखा जाता है। यहाँ पर चूँकि मैं इलाके के लिहाज से हमेशा जहाँ भी हमारे सितारे होते हैं नुमाइंदा, उनके जो इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मैं आपको दिखाता रहता हूँ। हमारे जिले के हाफिज़ नदीम साहब, कोई किसी से भुली हुई शख्सियत नहीं है, इनके भाई जो हैं फजल साहब, क्रिकेट की एक नाम था हमारे इलाके, उन्होंने यही नाम जो है यहाँ भी कायम रखा। अब ये जो इनकी टीमें हैं ये आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। इस तरह हमारे खलील भाई हैं, ये भी हमारा जेलम के साथ आपको पता है कि मीरपुर, ये भी एक टीम के कप्तान हैं। और यहाँ इन्होंने अपनी इंतहाई मेहनत करके अपने जो शौक़ हैं, यहाँ पर सस्ते शौक़ नहीं होते, यहाँ पर बहुत महंगे शौक हैं, ये इन्होंने पाले हुए हैं। अब हम इनसे पूछते हैं कि जनाब नदीम साहब, हमें बहुत खुशी हुई हम इधर आए, ये क्या हो रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है? बहुत शुक्रिया खालिद इकबाल मलिक साहब, आप मेरे कहने पैगाम पे तशरीफ़ लाए और हमें थोड़ा सा कवरेज किया। ये बेसिकली BCL ब्रिटिश क्रिकेट लीग, ब्रिटानिया क्रिकेट लीग इसी साल इंट्रोड्यूस हुई है और बहुत ही जज्बे से ये अपना काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे और स्ट्रांग टीमें इन्होंने जो है ना अपनी लीग में रखी हैं। और हमारा आज मैं चूँकि प्रिंस क्रिकेट क्लब का कैप्टन हूँ, हमारा मैच जो है टेबल है, ये हमसे ऊपर है अभी, तो आज काफ़ी इंशाल्लाह अच्छा मैच होगा और क्रिकेट की विन होगी इंशाल्लाह, जो टीम अच्छा खेलेगी एंड ऑफ द डे उसी की विन होगी। तो बस इसी तरह चल रहा है, बस आपका शौक है या आगे भी कोई आपको ऑब्वियस जगह नहीं? फ्यूचर में ये बच्चों के लिए है, क्योंकि हमारी तो अभी वो एज नहीं है कि हमें कुछ हो जाए, लेकिन ये जो हमारे बच्चे होंगे, ये हमारे नेफ्यू हैं, जो यंग जनरेशन आ रही है, उनके लिए हमने रखा हुआ है कि वो भी आए ज्वाइन करें और इंशाल्लाह अपना नाम बनाए। और अभी खलील भाई आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खलील अहमद है, एली डेविस क्रिकेट टीम का मैं कैप्टन हूँ। ये जो ब्रिटानिया क्रिकेट लीग है ये इस साल लॉन्च हुई है, तो इसमें जो है ना बहुत अच्छी टीमें खेल रही हैं, तकरीबन 16 टीमें हैं, लेकिन सब टीमें टॉप की टीमें हैं और इनकी बहुत अच्छी काविश है। ये जो है ना इन्होंने नौजवानों को ग्राउंड की तरफ लाने के लिए बहुत अच्छी काविश की है, जिसमें इब्रार भाई का भी बड़ा हाथ है और आमिर खान का भी बड़ा हाथ है और अपने आसिफ भाई और अमजद भाई, इन सब का जो है इन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो ये एक बड़ी अच्छी काविश है, क्योंकि यहाँ के नौजवान जो है ना वो गलत सरगर्मियों में जा रहे थे, इन्होंने जो है ना वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया लोगों को, बच्चों को आएँ खेलें और यहाँ जो है ना इन्जॉय करें। ये जो है ना हम हमारी दो टीमें इस वक्त दोनों हम जो है ना अपने पूल में टॉप हैं और इंशाल्लाह आज अच्छा मैच होगा, दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग हैं। देखिए टीमें कितनी है टोटल? ये ना 16 टीमें, 16 टीमें हैं इस पूल, इस लीग में 16 टीमें। कोई जज्बा या कोई इधर इसमें 8 टीमें जो है पूले में और 8 टीमें पूल बी में, कोई जज्बा है जैसा पाकिस्तान में? यहाँ जज्बा बहुत ज्यादा, जज्बा बहुत ज्यादा यहाँ। जब आप नोट शर्त वाली नहीं है, इसका मतलब जब एंड ऑफ द ईयर जब ये लीग खत्म होगी तो जो विनर होगा उनका मैच, दो टीमों का फाइनल होगा, जो जीतेगी उसे 3,000 पॉइंट मिलेगा और रनर आपको 1,500 पॉइंट मिलेगा। इब्रार भाई आप फाइनल करेंगे, जो काफी लेट हो चुके हैं, आपका मैच भी शुरू होने वाला है, आप इसको जो है माशाल्लाह चेयरमैन भी आप, तो इसको किस तरह आप? वाले साहब पहले तो बहुत शुक्रिया कि अपने इलाके का, अपनी धरती माँ का जो आप दिया जलाते हैं ना, उस वजह से इंस्पायरेशन लोगों को मिलती है कि उस दिए को आगे वो जलाते हैं। बाकी खेलें तो हर जगह होती हैं, लेकिन असल मकसद होता है कि अपने धरती माँ की बात, अपने इलाके की बात, वो पहचान होती है। अल्लाह ताला ने इंसान को कबीलों में पैदा किया और यही पहचान इंसान लाता है। तो यहाँ पे 16 टीमें हैं और दो ग्रुपों में, पहला साल है, दोनों प्रीमियर डिवीजन है, तो अच्छा कंपटीशन है। जो आपने कहा ना कि आगे चांसेस, यहाँ पे फर्स्ट क्लास प्लेयर्स भी खेलते हैं, उनसे नए प्लेयरों को तजर्बा होता है, फिर उनमें से कोई आगे जाते हैं, कोई एसेक्स में, मिडिल सेक्स में, डिफरेंट क्वालिटीज में जाते हैं, लेकिन जो सीनियर हो गए हैं वो तजर्बा देते हैं, जैसे हम लोग हैं। तो जैसे फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं वो यंगस्टर्स को ग्रूम करते हैं, तो ये बड़ा एक मिक्सचर मिलता है। तो ये इस तरह जनाब ये देख रहे हैं किस तरह खूबसूरती से इन्होंने बताया है, और दुआ करें कि हमारे जो यहाँ की यूथ है बजाय ड्रग में जाए और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जाए। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इन पूरे लोगों को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, दुआ में याद रखिएगा, मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। ए वतन प्यारे वतन।
वतन प्यारे वतन फील्डिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अपडेट देंगे। इस तरह ये पिच एलियाने सहिला यूनियन कौंसिल कोटला की, ये आप ही देख रहे हैं इस तरह ज़बरदस्त किस्म की पिच तैयार है। ग्राउंड चेक कर लें, बैटिंग के लिए तैयारी शुरू। शिवन वाले के साथ ही